ये देखने के बाद ये इधर आई हुई एक लड़की पता नहीं कहाँ से आई है। हाँ। ये देखो इसने इधर नहर में आके छलांग लगाई है। वो सामने देखो ये उसका वो पर्स भी पड़ा है और वो कोल्ड ड्रिंक भी देख रहे हैं, वो भी पड़ी है, वो देख रहे हैं मुलाजिम, जूता भी उसका पड़ा है उधर। अभी देख रहे हैं कहीं नज़र नहीं आ रही, पता नहीं नीचे बैठ गई होगी। ये देखो जूता भी पड़ा है, ये देख रहे हैं इसके पर्स में कुछ चीज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जिमें के आप देख रहे हो, मैं हूँ आपका अपना एसंदीला विलाग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के फजल से करम से। ये जो पीछे नहर पड़ी है, कुछ देर पहले एक लड़की ने छलांग लगाई है तो वो भी डूब गई है, किसी चीज़ का भी नहीं पता वो कहाँ पहुँची है नहीं है। 15 भी हो गई है और रेस्क्यू भी हो गई है, कोई अमला अभी तक नहीं आया। यार अगर कोई लावारिस भी हो तो महकमे को तो चाहिए इधर पहुंचना चाहिए ना, जब उनको इतला मिल गई तो उन्हें तो पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं। और ये भी एक बात देख लो, दरिया चनाब है ना, उधर रेस्क्यू की लांचें वगैरह और रेस्क्यू मौजूद बैठी होती हैं, इधर भी एक दो मुलाजिम और एक लांच होना ज़रूरी है हेड पर, क्योंकि लोग आते हैं कोई सैर व तफरी के लिए भी आते हैं और कोई हालात से तंग आए हुए होते हैं, कोई घर से टेंशन की वजह से आते हैं, लड़का हो या लड़की हो चाहे, महकमे को चाहिए इधर एक कैंप वो छोटा सा लगा हुआ और इधर दो तीन मुलाजिम इधर होने चाहिए और एक लांच भी 24 घंटे। जो ड्यूटी दिन की तो हक बनता है ना, रात का ये हक बनता है गवर्नमेंट का, ये इधर है ना एक कैंप होना चाहिए। अगर हो जाते, अगर उनका कोई वसीला बन जाता, अगर रेस्क्यू इधर होती तो उनको देख लेती, मर भी जाती बेचारी, चलो उनकी लाश तो मिल जाती। अभी तक कोई लाश नहीं, कोई वारिस भी नहीं पहुंचा। बाद में हम आपको बताएंगे, जैसे कोई खबर मिलती है लाश मिलेगी तो फिर हम आपको बताएंगे। मोहम्मद वाला टीबी लंकर नहर है जो बहुत तेज़ चल रहा है पानी, इस वक्त देख रहे हैं आप ये सब, ये पानी की हरकत है। ये देखो इतनी स्पीड से पानी चल रहा है और मैं आगे आपको जाके बताता हूँ, दिखाता हूँ जो अभी कुछ देर पहले का ये वाक़या है। ये देखो ये कुछ देर पहले का वाक़या है, तकरीबन एक अभी हम थोड़ी देर उधर उधर एक आदमी गया था, उन्होंने बोला है कि उधर नाल सामने चेक पोस्ट है, वो भी वीडियो है मेरे पास, जब मैं मौके पे आया हूँ तो बनाई है। तो उन्होंने आके इधर बताया कि यार इधर एक लड़की आई हुई है, उसने ना नहर में छलांग लगा दिए। ये नहीं हूँ अल्लाह खैर करे, हमें पता कि हालात ऐसे हैं ना, लोगों को पता भी नहीं चलता जब शैतान सवार हो जाए ना इंसान के ऊपर, तो कुछ भी नहीं पता चलता। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या भी उनका मसला था। ये देखो ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं ना ये सामने, ये देखो ये सीढ़ियाँ, ये जो नीचे वाली सीढ़ियाँ जिस पे पानी खड़ा है, इससे ऊपर वाली जो है इसके ऊपर उसका बैग भी पड़ा था और कोल्ड ड्रिंक भी थी और जूता भी था। वो मुलाजिम ने उठाया, वो वीडियो मेरे पास है, मैं इसके साथ वो टैप करूँगा, आप देख लेना। दो तीन गवाह थे जो अभी उन्होंने बोला था कि यार वो हमने वहाँ पे देखे, उन्होंने वो कलम बंद करा रही लिखवा लिया, उनसे सब कुछ वो हो गया है। लेकिन मैं बताता चलूँ, इधर कोई जब हम पहुँचे हैं ना पेट्रोलिंग पोस्ट वाले, और जब हम वहाँ पे बैठे थे वो भी साथ हैं पेट्रोलिंग वाले, इधर लड़की नज़र नहीं आई, वो डूब गई थी बेचारी, ये नहीं पता कहीं की थी, किधर से आई, क्या मसला था क्या नहीं था। लेकिन मेरे भाई ये बात मेरी सुन लो, कोई काम भी करो, कोई कदम उठाना हो ना, खुदकशी तो वैसे हराम है, इसकी बख्शिश भी नहीं होती, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो थोड़ा सा ये काम करने से पहले सोच लिया करें। हूँ अल्लाह बेहतर जानता है, क्या वो सेल्फी ले रही थी, उसको चक्कर आया पानी में चली गई है, या उन्होंने खुद छलांग रहे। जब इंसान कोई काम वो कर ले ना, फिर बाद में कोशिश करता है कि यार मैं बच जाऊँ, लेकिन बाद में तो वो मालिक ने बचाना होता है जो बचाना है, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता ना। अभी हम इस चीज़ से ज़्यादा शर्मिंदा हैं क्योंकि हमारे इदारे, अगर वो किसी अच्छे खासे ख़ानदान से होती तो इधर रेस्क्यू भी आ जाती, इधर पुलिस भी मौके पे आ जाती, इधर लांचें वगैरह भी आ जाती, उसकी पड़ताल हो जाती। लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया, तकरीबन 3 घंटे हो गए, मैं इस वक्त उस वक्त की वीडियो भी थोड़ी मैंने बनाई है, 3 घंटे हो गए 4। इधर हमारे सामने खड़े हुए मुलाजिम ने F115 एक किया है और रेस्क्यू भी कॉल की है, 2 रेस्क्यू के जवान आए हैं वो उधर रोड पे खड़े हैं, और जो आते हैं पुलिस के, ज़िले के तो आए भी नहीं है अभी तक, वो पेट्रोलिंग वाले हैं, उन्होंने सबको ये किया है, उनके तो काम भी नहीं होता ये, लेकिन उन्होंने आए हैं, उन्होंने सबको ये देखा है, जो लोग खड़े थे उनसे भी पूछा है,
तो चले गए। अभी तक कोई भी नहीं आया हमारे इदारे का, महकमे का कोई बंदा जिसका ये काम था। 3-4 घंटे हो गए, ये नहीं पता बेचारी किस जगह से थी, मुल्तान की थी या मुजफ्फरगढ़ या कहीं दूर से, इस चीज़ का नहीं हमें पता। दुआ करो अल्लाह पाक खैर करे कि उसकी लाश मिल जाए।